सावन, तन मन दिल से हम तेरा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ समारोह हमारे सामने दो बातों को रखते हैं। प्रभु किससे प्यार करते हैं और स्वर्ग राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दो बातों पर मनोरंजन करने के लिए प्रभु हम सबों को आह्वान करता है। और प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मिलकर नहीं मरता, वो अकेला ही रहता है और उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हैं, मृत्यु को अपनाने के लिए, मरने के लिए बुलाते हैं और शहीद बनने के लिए बुलाते हैं। और आज के पहले पाठ में प्रभु हम सबों से ये सवाल करते हैं, ईश्वर किससे प्यार करते हैं? ईश्वर उन लोगों को प्यार करते हैं जो प्रसन्नता से जो देता है उन्हें प्रभु प्यार करता है। और आज माता कलीसिया इन दो बातों को हमारे सामने रखकर कहती है, ऐसे एक संत है जो मिट्टी में गिरकर मरते हुए अपने जीवन को गवाते हुए स्वर्ग राज्य के लिए फल उत्पन्न किया और वह ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ दे देते हैं और इसलिए ईश्वर उन्हें प्यार करता है। वह संत है संत लॉरेंस। उनके बचपन के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जन्म स्पेन में हुआ है और 251 ईस्वी में संत पापा सिक्सुस का डीकन के रूप में उन्होंने नियुक्त किया। उस समय रोम का साम्राट था वलेरियन। 257 ईस्वी में उन्होंने एक राज्याज्ञा निकाली और उस राज्याज्ञा के मुताबिक क्रिश्चिय सभा को यानी कलीसिया को समाप्त करना है। और उसके लिए उन्होंने सोचा सभी बिशप और संत पापा को, सभी डीकन को खत्म करें और उसके द्वारा उनको समाप्त करने से, उनको उनकी कत्ल करने से वो विश्वास करते थे कि इस धरती से हमेशा के लिए ईश्वर का राज्य समाप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। संत पापा को मरवा डालने की आज्ञा दी। संत पापा को ले जाते समय उनके पीछे पीछे लॉरेंस रोते रोते चले जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, संत पापा, मैंने आपके साथ मिलकर ईश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए आपकी सेवा की है और आज जब आपको मौका मिला है प्रभु के लिए अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए आप अकेले जा रहे हो और आप अपने खून बहाते हुए प्रभु के लिए हमेशा के लिए बलि चढ़ाने जा रहे हो और आप अकेले जा रहे हैं, मुझे भी ले जाइए। संत पापा सिक्तुस संत लॉरेंस से कहते हैं, आज से ठीक 3 दिन के बाद तुम्हें लोग सताएंगे और तुम्हें इससे भी ज्यादा कठिनाइयों को, दुख तकलीफों को भोगना पड़ेगा। और उसके बाद जो वहां का जो नेता है, वहां के जो अधिकारी हैं, उस शहर का अधिकारी उनसे कहते हैं, लॉरेंस से कहते हैं, कलीसिया की जो संपत्ति है उसे तुम हमें सौंप दो और तुम अपने जिंदगी को बचाओगे। और संत लॉरेंस उनसे 3 दिन मांगते हैं। 3 दिन के बाद जब समय आया, वादे के मुताबिक उनसे पूछा गया संपत्ति कहाँ है,
वह कलीसिया की जो संपत्ति सारे गरीबों और अन्य लोगों के बीच में उन्होंने दे दिया था, और इसलिए वह कहते हैं कलीसिया का संपत्ति ये जो गरीब लोग हैं, और इससे क्रुद्ध होकर जो उसने जो अधिकारी है वह गुस्से में आकर उनको सताना चाहा और उनके मरवा डालने के लिए सोचा, और उसे क्रूर तरीके से उसे मारने की सोचा, और उसने एक तवे में संत लॉरेंस को रख दिया और उस तवे में उनको डाल दिया और नीचे से आग लगा दिया। और संत लॉरेंस कुछ समय के बाद कहते हैं मेरा एक साइड पक गया है, अभी पूरा हो गया है, अभी आप मुझे पलट कर दूसरे साइड में रखो। और जब दूसरे साइड में लिटा दिया गया, कुछ समय के बाद लॉरेंस कहते हैं अभी मैं पूर्ण तरीके से प्रभु के लिए रोटी बन चुका हूँ और पक चुका हूँ, और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और इसलिए माता कलीसिया हम सब से कहती हैं जो अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रभु के लिए समर्पित करते हैं और जो कुछ भी उनको प्राप्त है उसे दे देता है, उसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और संत लॉरेंस ने जो कुछ भी उनके पास था वह प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए समर्पित किया। और बाद में हम सुनते हैं सुसमाचार में जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाते हैं फल उत्पन्न नहीं करेगा, और जो सम्राट सोचा था इस धरती से हमेशा के लिए कलीसिया को नष्ट कर दूंगा, लेकिन लॉरेंस और अन्य लोगों को ये मृत्यु दंड देने से कलीसिया समाप्त नहीं हुई, लेकिन वहाँ कलीसिया और भी मजबूत हो जाती है। आज संत लॉरेंस उपयाचक और सहित हम सबों से यही बात कहते हैं प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए। तो आइए हम संत लॉरेंस के मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, अपने जीवन के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम से मिलकर बोले हे भाई और बहनों, मैं सोच के बाद में पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं निर्वाणी प्रेम से सब सर्वदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर और हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा हो परमेश्वर की महिमा।
महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान हो वे सदा, तेरा गुणगान हो वे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, दलित में मने पाप कर लेते, सुन लो बिंदी हमारी सदा, सुन लो बिंदी हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाय, तेरी महिमा हो रहे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन सके, इनकी उदारता से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का पाठ। जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के, धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है, धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया, धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, प्रभु की आशीष धर्मियों की संगति पर बनी रहती है। अनुवाद के, धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है, वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाद के, धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है, वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह ना तो घबराता और ना डरता है,
वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे आनंद जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा। कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संत लॉरेंस के महोत्सव में जो बलि हम चढ़ा रहे हैं उसे दयापूर्वक ग्रहण कर। यह बलिदान मुक्ति के पद पर हमारा सबल बने, ऐसा वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता,
यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमानित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा तू उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता तथा प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते तथा हम स्वर्गदूतों के साथ निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब हृदय दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर्षंति योसेफ, प्रेरितगण, संत लॉरेंस और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। कृष्ण की शांति। कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जिसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय मैं सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं जैसे कि आप पहले से ही यहाँ है, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य भोजन से तृप्त होकर हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। ऐसी कृपा का हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्रात्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।